हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th। इसमें हमको खिलाफत इशू के बारे में पढ़ना था। खिलाफत इशू, तो द सुल्तान ऑफ ऑटोमन तुर्की द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड कॉल खिलाफा साइडेड विद जर्मन इन फर्स्ट वर्ल्ड वार अगेंस्ट ब्रिटिश। मतलब कि सुल्तान था ऑटोमन तुर्की के स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, मतलब इस्लाम के जो वर्ल्ड है उसका हेड था, उसको खिलाफा कहा जाता था। वो साइडेड था जर्मन इन फर्स्ट वर्ल्ड वार, जर्मन के साइड था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। आफ्टर द विक्टोरी ऑफ ब्रिटिश, मतलब आफ्टर ब्रिटिश बार खत्म होने के बाद ब्रिटिश जीत जाता है। द पोस्ट ऑफ द खिलाफा वॉज रिमूव्ड, जो पोस्ट होता है खिलाफा को उसको हटा देता है। एंड तुर्की वॉज ब्रोकन अप, और तुर्की को कमज़ोर कर देता है। टू डिफेंड द खिलाफा पावर, मतलब खिलाफा के पावर को डिफेंड करने के लिए, और खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड, एक खिलाफत कमेटी को बनाया गया इन बम्बई, बॉम्बे में, इन मार्च 1919 भाई मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, इसको अली ब्रदर भी कहा जाता है। एट द कोलकाता सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के कोलकाता सेशन में इन सितंबर 1920 गांधी कन्वाइस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टू इन सपोर्ट ऑफ खिलाफा एज वेल एज स्वराज, मतलब कि कोलकाता के सेशन में एट द कोलकाता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920 कांग्रेस के, उसमें गांधी जी कन्वाइस करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफा एज वेल एज स्वराज, स्वराज और खिलाफा के सपोर्ट में। इस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन टू ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम टुगेदर, हिंदू और मुस्लिम को टुगेदर लाने के लिए गांधी जी विथ मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मतलब हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाने के लिए गांधी जी मोहम्मद अली और शौकत अली से मिलते हैं। फर्दर द मूवमेंट वॉज रीनेम्ड, बाद में मूवमेंट का नाम चेंज कर दिया जाता है, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट इसका नाम रख दिया जाता है। वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों चुने थे। इन हिज फेमस बुक, मतलब गांधी जी अपने फेमस बुक में हिंद स्वराज में डिक्लेयर डैट, वो डिक्लेयर करते द ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियन, मतलब ब्रिटिश के जो रूल है इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हुआ वो कॉपरेशन ऑफ इंडियन के, मतलब इंडियन उसको सपोर्ट किए कि हम पर राज कीजिए, तो ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हुई। इफ़ इंडियन रिफ्यूज टू कॉपरेट ब्रिटिश रूल, अगर इंडियन रिफ्यूज हो जाता है कॉपरेट करना ब्रिटिश रूल, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया विल कोलैप्स विद इन अ ईयर, मतलब ब्रिटिश के रूल इंडिया में कोलैप्स हो जाएगा विद इन अ ईयर, मतलब एक ही साल में, और स्वराज उल कम और स्वराज आ जाएगी। आप देखना स्पीड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड हाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकेम अ मूवमेंट, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे फैली और ये कैसे एक मूवमेंट का रूप लिया। मेनी ऑफिसर सरेंडर्ड गवर्नमेंट टाइटल, बहुत से ऑफिसर गवर्नमेंट टाइटल को वापस कर दिए। एंड बायोकाट सिविल सर्विस आर्मी ETC, मतलब कि वो बायोकाट करने लगे, मतलब हम सिविल सर्विस नहीं करेंगे, आर्मी का बायोकाट करने लगे, आर्मी जॉब का, स्कूल और फॉरेन गुड्स ब्रिटिश का बायोकाट करने लगे। सिविल डिसोबीडेंट कैंपेन विल बी लॉन्च, मतलब सिविल डिसोबीडेंट कैंपेन लॉन्च अगेंस्ट ब्रिटिश इफ द गवर्नमेंट प्रिसिस्ट विथ रिपेंसिव मेजर, मतलब सिविल डिसोबीडेंट मतलब आपका लॉ नहीं मानेंगे, ये इसका कैंपेन स्टार्ट कर देंगे अगर गवर्नमेंट प्रिसिस्ट किया, मतलब गवर्नमेंट खड़ा होगा विरोध किए रिपेसिव मेजर से। तो द काउंसिल इलेक्शन वॉज बायोकाट बाई द इंडियन लीडर, मतलब काउंसिल इलेक्शन को बायोकाट किया गया था इंडियन लीडर के द्वारा नवंबर 1920 का। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर, मतलब फाइनली लास्ट में क्या होता है, कांग्रेस सेशन एट नागपुर पर इन दिसंबर 1920 को द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज एडॉप्टेड, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट कर लेते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन होता है, हु पार्टिसिपेट इन इट, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन पार्टिसिपेट करते, वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन इट, मतलब बहुत से सोशल ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया गया था जनवरी 1921 को, लॉन्च बाई महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली एंड शौकत अली, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा लॉन्च की गई थी। मैनी सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड, बहुत से सोशल ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ऑल इंटरप्रेटेड द मीनिंग ऑफ स्वराज इन हिज देयर ऑन वे, मतलब कि सभी ने इंटरप्रेट किए मैसेज ऑफ स्वराज अपने आप के वे में, जैसे मेरे लिए स्वराज का मीनिंग अलग हो गया था और दूसरे के लिए अलग हो गया था। अब है द मूवमेंट इन द टाउन, मतलब टाउन में कैसी मूवमेंट रही थी, टाउन में क्या था, मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द
सिटी, मतलब मूवमेंट स्टार्ट हुए मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटी, मतलब सिटी में पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मिडिल क्लास भाग लिए। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज, हजारों विद्यार्थी गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिए। हेड मास्टर एंड टीचर रिजाइंड, हेड मास्टर और टीचर रिजाइन कर दिए गवर्नमेंट स्कूल, मतलब ब्रिटिश का स्कूल। लॉर्ड गिव अप लीगल प्रैक्टिस, लॉर्ड लीगल प्रैक्टिस को गिव अप कर दिए। फॉरेन क्लॉथ वेयर बर्न्ट इन ह्यू बॉनफायर, मतलब बाहरी जो कपड़े थे उसको एक जगह इकट्ठा करके जला दिया गया था। द काउंसिल इलेक्शन वॉज बायोकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसी एक्सेप्टेड मद्रास प्रेसिडेंसी, मतलब बहुत से प्रोविंसी में काउंसिल इलेक्शन को बायकॉट कर दिया था, बट मद्रास में नहीं किया गया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम नॉन ब्राह्मिक जस्टिस पार्टी पावर में आया था, जो कि ब्राह्मण का नहीं। लिक्विड शॉप पिकेट, मतलब जो लिक्विड शॉप था, मतलब जो शराब का शॉप था, उसको ड्रिंकिंग वाला शॉप को पिकेट कर दिया गया था, उसके अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था। अब आता है व्हाट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ मूवमेंट इन टाउन टू ब्रिटिश, मतलब टाउन में जो मूवमेंट हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसका इम्पैक्ट ब्रिटिश पर क्या पड़ता। ब्रिटिश और फॉरेन गुड्स वेयर बायकॉटेड, जो ब्रिटिश का और फॉरेन गुड्स था उसको बायकॉट कर दिया गया था। लिक्विड शॉप को पिकेट किया गया था, लिक्विड शॉप में किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा था। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ डे बिटवीन 1921 एंड 1922, मतलब जो इम्पोर्ट होता था पहले जितना फॉरेन क्लॉथ आता था वो आधा रुपया का आने लगा 1921 में एंड 1922 में। इट्स वैल्यू, उसका वैल्यू ड्रॉपिंग हो गया था 102 करोड़ से 57 करोड़, 102 करोड़ पहले आती थी, अब 57 करोड़ हो गई थी। इन मेनी प्लेसेज टैडर्स रिफ्यूज़ करने लगे फॉरेन टैड करने के लिए और फाइनेंशियल टैड के लिए, फॉरेन फाइनेंशियल टैड के लिए। अब आता है रीजन ऑफ स्लो डाउन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन में एक पीढ़ी के बाद जितना जल्दी बढ़ा तो उतना जल्दी नीचे आता है, क्यों? तो पहला है खादी वाज एक्सपेंसिव, पहला रीजन है खादी वाज एक्सपेंसिव, खादी वाज ऑप्टेन मोर एक्सपेंसिव देन मिल क्लॉथ, जो मिल में क्लॉथ बनता था उससे खादी हाथ से बिना हुआ क्लॉथ बहुत महंगा होता था, इसलिए पुअर कुल नॉट एफोर्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम, पुअर इसको नहीं खरीद सकता है लंबे समय के लिए। सेकेंड है लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट, इस समय एट दिस स्टेट इंडियन इंस्टीट्यूट बहुत कम होती है, जिसके कारण पीपल और टीचर और स्टूडेंट लॉर्ड फिर से ब्रिटिश स्कूल को ज्वाइन कर लेते हैं। रिवलियन इन कंट्री साइड, मतलब गांव में देखना रिवलियंस जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांव में कैसी होती थी। तो पहला है अवध, तो अवध इन अवध क्या होता है, मूवमेंट लीड बाय बाबा रामचंद, अवध में मूवमेंट को लीड किया जाता है बाबा रामचंद में, और सन्यासी हु हैज़ ईयरली बीन अ फीजा टू एज अ इंटीरियर लेयर, उसको फीजा ले गया जाता है एक इंटीरियर लेयर की तरह, लेबर की तरह। द मूवमेंट वॉज अगेंस्ट तालुकदार, जो गांव में मूवमेंट होता है वो अगेंस्ट तालुकदार और लैंडलॉर्ड, जमीन के मालिक के विरोध होते हैं। हु डिमांडेड फ्रॉम प्लीजेंट, जो फार्मर और प्लीजेंट से बहुत हाई रेंट मांगते हैं, एंड अ वैरायटी ऑफ किसेस, मतलब गुड्स, वैरायटी ऑफ गुड्स मांगते हैं। द प्लीजेंट हैड टू डू बेगार, प्लीजेंट को फोर्स करते बेगार करने के लिए, एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट, और उसको लैंडलॉर्ड्स के फार्म, मतलब जमींदार के घर जमीन पर बिना किसी पेमेंट को काम करनी है। द प्लीजेंट मूवमेंट डिमांडेड, मतलब प्लीजेंट के मूवमेंट का क्या डिमांडेड था जो गांव में हो रही थी अवध में, पहला था रिडक्शन ऑफ रेवन्यू, मतलब जो रेवन्यू है उसको रिडक्शन करना है, एवोल्यूशन ऑफ बेगार, बेगार हम नहीं करेंगे इसको एवोल्यूशन करना है, सोशल बायोकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, और ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स से इसको सोशल बायोकॉट किया जाए। इन जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड इन विलेज इन अवध, मतलब 1920 में जवाहरलाल घूमने लगते हैं विलेज अवध में फॉर टॉकिंग, बात करने के लिए, एंड अंडरस्टैंडिंग देयर। बाय अक्टूबर द अर्थ किसान सभा हुआ सेटअप, अक्टूबर तक अर्थ किसान सभा को सेटअप किया जाता है भाई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स, और बाबा रामचंद और अदर लीडर के साथ। विथिन अ मंथ, एक मंथ में 300 ब्रांच ऑफ अर्थ किसान सभा वाज सेटअप, हैज सेटअप, मतलब 300 ब्रांच अर्थ किसान सभा एक महीना में खुल जाती है। द प्रेजिडेंट ऑफ अर्थ इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडियाज ऑफ स्वराज इन अनदर वे, जो प्रेजिडेंट ऑफ अर्थ होता है, अर्थ के जो किसान होते हैं वो इंटरप्रेट करते हैं मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड आइडियाज ऑफ स्वराज अपने तरीके से, और अनदर वे। इन द हाउस ऑफ तालुकदार एंड द मर्चेंट वेयर अटैक्टेड, जो हाउस तालुकदार का होता है, मर्चेंट का होता है, उसको अटैक किया जाता है, बाजार को लूट किया जाता है, एंड ग्रेन जहाँ पर अनाज रखा जाता है उसको वहाँ से अनाज चुरा लिया जाता है। अब है सम वर्ड, मतलब कुछ वर्ड है,
जैसे फोर्स रिक्रूटमेंट, अ प्रोसेस बाई विच कॉलोनियल गवर्नमेंट फोर्स पीपल टू ज्वाइन आर्मी, एक प्रोसेस जिसके द्वारा कॉलोनियल गवर्नमेंट फोर्स करते हैं पीपल को कि आप आर्मी को ज्वाइन करिए। बायोकॉट, बायोकॉट का मतलब होता है रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएटेड विथ पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी और बाय एंड अ यूज थिंग यूजुअली अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन, एक फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन के होता है उसी को बायकॉट कहा जाता है। रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएटेड विद द पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी और बाइंग एंड यूजिंग थिंग यूजुअली अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन, इसी को बायकॉट कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। रोशन कुमार, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले।